वो खबरें लेकर जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अपराध कभी भी कहीं भी हो सकता है, क्योंकि जुर्म बस इस ताक में रहता है कि कब आप जरा सा लापरवाह हो जाएं और वो आप पर हमला कर दे। आज शुरुआत यूपी के बाबू मोशाय बंदूकबाज से, शहर शहर दहशत की आवाज के साथ करेंगे। दरअसल ऐसी कई चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई जहां बेखौफ और बेलगाम गोलीबाज नजर आ रहे हैं। हर मंजर बेहद डराने वाला है, देखेंगे तो समझेंगे कैसे शहर शहर गूंज रही है दहशत की आवाज। खुलेआम बंदूक से फायरिंग की ये तस्वीरें हैरान करने वाली है, क्योंकि सरेआम गोलियां चलाने वाला ये शख्स प्रधान रह चुका है। इसके सिर पर क्यों खून सवार है और ये किस पर इस तरह गोलियां बरसा रहा, आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले अब दंग कर देने वाला ये दूसरा मंजर देखें, क्योंकि आज से पहले आपने शादियां तो खूब देखी हो, लेकिन तमंचे पर पिस्तौल मर्द इस शख्स की करतूत कितनी खतरनाक है और ये तस्वीरें कहां की हैं, आपको आगे बताएंगे। पर यूपी में शहर शहर किस तरह गोलीबाजों का बवाल चल रहा है, इसे समझने के लिए ये तीसरी तस्वीर देखिए। बेशक आज से पहले आपने बेलगाम रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए हुड़दंग करते दबंगों को देखा हो, लेकिन इस तरह गाड़ी से खुलेआम हथियार निकालने वाली ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली। आखिर ये सिरफिरा ऐसा क्यों कर रहा है, आपको बताते हैं। अब सीतापुर, अमेठी और ग्रेटर नोएडा से सामने आई इन तीनों तस्वीरों की पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं और बताते हैं कि क्यों इनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, ये किसी गांव में खूनी झड़प का कोई फिल्मी सीन नहीं है, जहां इस तरह दिन दहाड़े दो गुट एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं, बल्कि सीतापुर के लहरपुर गांव में हकीकत की कातिल झड़प की तस्वीरें हैं। देखिए इन सभी के हाथों में डंडे पत्थर हैं, जबकि पीली पैंट और सफेद शर्ट वाले शख्स के हाथ में बंदूक है। ये सामने की तरफ पहले एक बार फायरिंग करता है, फिर आगे बढ़कर दूसरी बार भी फायरिंग कर देता है। हैरानी की बात तो ये है कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि प्रधान रह चुका है, लेकिन किस तरह बेखौफ और बेलगाम होकर ये गोलियां चला रहा, ये कैमरे में कैद हो गया। सीतापुर के लहरपुर में फायरिंग का ये लाइव वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। यहाँ जमीनी विवाद को लेकर वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। इस दौरान पूर्व प्रधान ने लाइसेंसी बंदूक फायरिंग कर दी, जिसकी करतूत किसी ने कैमरे में कैद कर ली और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। बताया जा रहा है कि संगामे की खबर लगते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जबकि अमेठी के बहुआ गांव में युवा शख्स खुलेआम तमंचा थाम कर झूम रहा है। शादी समारोह में गाने की धुन पर हर कोई थिरकता दिख रहा। इस दौरान ये सिरफिरा अपने दोस्तों के साथ इस जीप पर चढ़कर नाच रहा है, लेकिन इस वक्त इसके हाथ में वो हथियार मौजूद है, जो भूल से भी चल जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है। सवाल तो ये भी है कि इस तरह खुलेआम तमंचा कैसे लहरा रहा। जाहिर है इस तरह की तस्वीरें न सिर्फ डराने वाली हैं,
बल्कि सावधान और सतर्क करने वाली थी। ऐसी ही तस्वीर ग्रेटर नोएडा से भी सामने आई। यहाँ रात में सड़क पर कार सवार युवकों की दबंगई नजर आई। जिस वक्त यूपी पुलिस की सख्ती से बदमाश कांप रहे हैं, उस दौरान कार सवार दबंग खुलेआम हथियार लहराते नजर आए, लेकिन इनकी ये करतूत भी कैमरे में कैद हो गए। सुनसान सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त हथियार लहराने वाले इन बदमाशों की गाड़ी का नंबर भी कैमरे में कैद हो चुका है। सवाल है, शहर शहर क्यों दिखाई दे रहे हैं बेलगाम और बेखौफ बंदूकबाज, और क्यों इन पर शिकंजा नहीं करता जा रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, एक तरफ तो बेलगाम और बेखौफ गोलीबाज, पर यूपी पुलिस का संदेश सीधा और साफ है, सुधर जाओ या गोली खाओ। क्योंकि यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा पार्ट टू अब तूफानी रफ्तार पकड़ चुका है। शहर शहर गुंडों की शामत आ चुकी है। सीतापुर से लेकर रामपुर तक खाकी वर्दी वालों के साथ मुठभेड़ हुई और एक्टिवेट हो गया ऑपरेशन लंगड़ा। इसके बाद जो हुआ उसकी गवाह वो मंजर है, जिससे समझ आता है कि आखिर किस वजह से इन दिनों बदमाश खुद सरेंडर करने के लिए थाने पहुंच रहे हैं। पहली तस्वीर, ऑपरेशन लंगड़ा कामयाब। दूसरी तस्वीर, ऑपरेशन लंगड़ा कामयाब। तीसरी तस्वीर, ऑपरेशन लंगड़ा कामयाब। चौथी तस्वीर, ऑपरेशन लंगड़ा कामयाब। कहां कहां की तस्वीर दिखाएं आपको? सीतापुर, मुरादाबाद, रामपुर या फिर मुजफ्फरनगर? शहर शहर यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अब तूफानी रफ्तार से जारी है। हर ओर ऐसा ही मंजर है, जहां आम लोगों की जिंदगी में शांति भंग करने वाले बदमाश लंगड़ा लंगड़ा कर चलने को मजबूर हैं। तो बदमाश जिन्हें आपने अक्सर पुलिस के शिकंजे से भागते देखा होगा, अब इसी तरह लंगड़ाते हुए दिखाई दे रहे। दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, खाकी वर्दी वालों का खौफ बदमाशों की इन लंगड़ाती तस्वीरों से साफ पता चल रहा है। वक्त कोई भी हो, जगह कोई भी हो, संदेश साफ और सीधा है, अपराध करोगे तो छोड़ेंगे नहीं, भागोगे तो ऑपरेशन लंगड़ा एक्टिव कर दिया जाएगा। और इसका अंजाम क्या होगा, ये यूपी का हर छोटा बड़ा बदमाश जान चुका है। इसमें एक तस्वीर शाम के वक्त की है, जब सड़क पर जांच अभियान के दौरान एक गाड़ी आते हुई दिखाई। पुलिस को देखकर गाड़ी सवार भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने पीछा किया तो तीन गुंडों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दो भाग गए। इसके बाद फरार गो तस्करों को पुलिस ने दबोच लिया। संदिग्ध आदमी जंगल की तरफ से आते हुए दिखाई दिए, पुलिस ने उन्हें टोका तो इस पर वो पुलिस पर फायरिंग करने लगे। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हो गए, जिन्होंने अपना नाम मोहसिन और नुन्ना बताया, और ये वही लोग हैं जो शाम 6:30 बजे टांडा क्षेत्र से फरार हो गए। इनके पास से असलाह वगैरह बरामद हुआ है और दोनों को उपचार के लिए सदर हॉस्पिटल भेजा गया है। बताना चाहूंगा कि जो दिन में मुठभेड़ हुई थी 6:30 बजे, उसमें जो कार थी उसमें ये गोवंशी पशु ले जा रहे थे और इनका इरादा ये था कि उसकी कार से ले जाए। अब देखिए किस तरह सीतापुर में इनामी बदमाश यूपी पुलिस के ऑपरेशन लंगड़े के शिकंजे में आ गया। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर के पैर में तब गोली मारी जब कानून के रखवालों की दबिश देखकर इसने गोलियां चलानी शुरू कर दी। लेकिन जवाबी कार्रवाई में बदमाश मोहित के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। आज दिनांक 6 मई 2022 भोर में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आईएमटी इंटर कॉलेज के पास बाईपास क्राइम ब्रांच और थाना कोतवाली नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के उपरांत एक शातिर अभियुक्त मोहित कश्यप को गिरफ्तार किया गया, जो मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हुआ।
दरअसल बीते दिनों ऑपरेशन लंगड़ा कहर बनकर बदमाशों पर टूट रहा है। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां ग्रेटर नोएडा से बुलंदशहर, गोरखपुर, उन्नाव और गोंडा से लेकर हापुड़ तक ऑपरेशन लंगड़ा ने बदमाशों की शामत ला दी है। इसी बात की तस्दीक आंकड़े भी करते हैं। मार्च 2017 से लेकर अप्रैल 2022 तक कुल 9,434 एनकाउंटर हुए, पर योगी राज 2.2 में ऑपरेशन लंगड़ा पार्ट 2 के दौरान कमोवेश एक ही तरह की तस्वीर दिखाई दे रही, मानो एक ही टेक को रीटेक किया जा रहा हो। क्योंकि बदमाशों के लिए संदेश सिर्फ इतना है, अब भी वक्त है सुधर जाओ, वरना ऑपरेशन लंगड़ा के लिए तैयार हो जाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अक्सर ऐसा होता होगा कि आपके पास कभी किसी अनजान नंबर से फोन आ जाए, लेकिन तब क्या हो जब कॉल करने वाले शख्स का इरादा बेहद बुरा हो। दरअसल यूपी के 36 जिलों में करीब 113 महिलाएं ऐसी ही एक डर्टी कॉलर से परेशान रही, जो उन्हें कॉल करता और फिर उनसे अश्लील बातें करने लगता। पर अब ये सिलसिला पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। घंटी बजे ही वो गंदी बात करेगा, अनजान नंबर से फोन आए तो उठाना मत। उसकी तलाश में थी 36 जिलों की पुलिस। अनजान नंबर से कॉल आने पर फोन की घंटी बजती, सामने से किसी अजनबी की आवाज आती और फिर वो शुरू कर देता गंदी बात। बीते कई दिनों से यूपी में शहर शहर महिलाएं ऐसे ही फोन कॉल से परेशान थी, लेकिन इस तरह की घिनौनी करतूत को अंजाम देने वाला शख्स अब पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। इसकी सूरत पर मत जाइएगा, क्योंकि इसके काले कारनामों ने 100 से ज्यादा महिलाओं का जीना मुहाल कर दिया था। ये शख्स महिलाओं को फोन मिलाकर उनसे अश्लील बातें करता, अगर महिलाएं बात नहीं करती तो उन्हें जान से मारने की धमकी देता। इस काली करतूत को अंजाम देने के लिए 45 साल का रविंद्र मनमाने ढंग से 10 नंबर डायल करता। घंटी बजने के बाद फोन उठता और महिला की आवाज आती तो ये बात करता, वरना फोन काट देता। जबकि पुलिस से बचने के लिए आरोपी फोन करने के बाद हर बार अपना सिम कार्ड बदल देता था। एक व्यक्ति है, रावेंद्र मौर्य है, ये करीब 40 साल का है और कोरियो गांव पड़ता है थाना सहनी में, इसी का रहने वाला है। इनके द्वारा करीब 113 लड़कियों को अलग अलग नंबर से नंबर चेंज कर करके और इनके द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था। उनके साथ में अश्लील बातें और उनको तमाम तरह की इस तरह की चीजें करके उनको हरासमेंट उनके द्वारा किया जा रहा था। इसी पे 1090 की टीम आई और उनके द्वारा सूचना दी गई थाना सैनिक की, और 1090 की जो टीम है इनके द्वारा संयुक्त रूप से इसकी गिरफ्तारी की गई थी और इनको मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 354, 419(20), 67, 68, 71, 294 और इसके अलावा 504, 507 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। लेकिन इसका ये गंदा खेल अब खल्लास हो चुका है, क्योंकि इसके पाप का घड़ा भर चुका था। इसकी कारगुजारियों के खिलाफ 36 जिलों में मामले दर्ज करवाए गए, इनमें सबसे ज्यादा 19 मामले लखनऊ में दर्ज हैं। इसके अलावा उन्नाव, कानपुर, अम्बेडकर नगर में 7, प्रयागराज में 6, रायबरेली, सीतापुर में 5 शिकायतें की गई। हालांकि अब भी ना जाने कितनी महिलाएं इसकी दिमागी गंदगी का शिकार बनती, लेकिन कौशाम्बी पुलिस ने एक पीड़ित महिला से फोन नंबर लेकर ट्रेस किया, जिसके बाद इसकी लोकेशन कौशाम्बी के ही सैनी इलाके में कोरियान गांव में मिली, जहां से इसे गिरफ्तार कर लिया गया। जाहिर है इसका खेल खल्लास हो गया और इसके फोन कॉल से परेशान महिलाओं को बड़ी राहत मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब बात करते हैं मुख्तार के पाताल लोक की। दरअसल मुख्तार भले ही सलाखों के पीछे हो, लेकिन उस पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है।
क्योंकि अब जांच एजेंसियों के निशाने पर उसका काला साम्राज्य है। लेकिन खबर है कि लखनऊ में मुख्तार की कुछ संपत्तियों का ब्यौरा एलडीए की तरफ से दो हफ्तों बाद भी नहीं दिया जा सका। मुख्तार का पाताल लोक। बाहुबली के खजाने की अंतहीन खोज। जेल की सलाखों के पीछे मौजूद मुख्तार अंसारी पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। हर कोई चाहता है कि मुख्तार की काली कमाई का पूरा पर्दाफाश हो। हर कोई चाहता है कि बाहुबल के दम पर उसने जो अवैध साम्राज्य बनाया उसकी पाई पाई का हिसाब हो। इसलिए मुख्तार तमाम जांच एजेंसियों के रडार पर है। लेकिन मुख्तार की पूरी कलई खुलना आसान नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि लखनऊ में बाहुबली और माफिया मुख्तार अंसारी के काले धन से बनी संपत्तियों का राज नहीं आ पा रहा है। दरअसल इसी क्रम में इस मामले में एलडीए के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। एलडीए सूत्रों का कहना है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए ईडी को उसकी तमाम संपत्तियों का ब्यौरा जुटाना है। इसके लिए ईडी ने एलडीए से मुख्तार की बेनामी संपत्तियों का ब्यौरा मांगा था। ईडी की तरफ से एलडीए को भेजे गए पत्र में मुख्तार के करीबी 6 लोगों के नाम लिखे थे। पत्र में कहा गया था कि इन 6 लोगों के नाम से बाहुबली मुख्तार ने बेनामी संपत्तियां बनाई हैं। एलडीए को संपत्तियों की जानकारी जुटाकर ईडी को भेजनी थी। हालांकि करीब 2 हफ्ते बाद भी मुख्तार की एक भी बेनामी संपत्ति ईडी के हाथ नहीं लग सकी। बाहुबली मुख्तार अंसारी की अवैध कमाई से बनाई गई तमाम संपत्तियों का ब्यौरा एलडीए नहीं जुटा पा रहा है। अवैध निर्माण पर एक एक नजर रखने वाले एलडीए को बाहुबली मुख्तार की संपत्तियां ढूंढे नहीं मिल रही हैं। दरअसल ईडी ने करीब 2 हफ्ते पहले एलडीए को एक पत्र लिखा था और उसमें लिखा था कि मुख्तार और उसके तमाम करीबियों के नाम से अवैध संपत्तियां, बेनामी संपत्तियां बनाई गई हैं और ईडी ने आगे की कार्रवाई के लिए इन संपत्तियों की जानकारी मांगी थी। हालांकि एलडीए अभी तक किसी भी संपत्ति का ब्यौरा नहीं जुटा पाया है। एलडीए ने मुख्तार के नाम से 10 लोगों की संपत्तियां चिन्हित की हैं, लेकिन ये बाहुबली मुख्तार अंसारी की हैं या मुख्तार नाम के किसी दूसरे शख्स की, ये स्पष्ट नहीं हो सका है। अब एलडीए ने नगर निगम और तहसील प्रशासन को एक पत्र लिखा है और नगर निगम के दायरे में आने वाली संपत्तियों में मुख्तार अंसारी की सूचियां चिन्हित करने के निर्देश दिए। अब इस मामले पर एलडीए के अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। सूत्रों के मुताबिक बताए गए नामों पर जो संपत्तियां हैं वो नगर निगम या तहसील स्तर पर भी हो सकती है, इसलिए उनसे भी मदद मांगी गई है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।